मेंस अंडर 19 क्रिकेट टीम को आज फेयरवेल दिया गया है। बताया जाए तो केन के सभी मेंबर मौजूद हुए और अंडर 19 क्रिकेट टीम को आज फेयरवेल दिया गया। मलेशिया में होने जा रहा है एससीसी प्रीमियर कप, उसमें सहभागी होंगे नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम। बताया जाए तो नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और सुनहरा मौका है कि एशिया कप में भी अपना जगह बना ले एससीसी प्रीमियर कप जीत के। तो आप लोगों को क्या लगता है, नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम एससीसी प्रीमियर कप में अपना छाप छोड़ के एशिया कप में भी इस बार जगह बना लेंगे? हालांकि वर्ल्ड कप में अंडर 19 क्रिकेट टीम जा चुके हैं और लास्ट ओवर में यूएई को हरा के वर्ल्ड कप में रीच किया है नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम। वही बता दे तो नेपाल मेंस सीनियर क्रिकेट टीम का आज तीसरा दिन खत्म हो चुका है राजस्थान रॉयल एकेडमी में और उनका 7 दिन बच चुका है राजस्थान रॉयल एकेडमी में। 7 दिन और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद नेपाल रवाना हो जाएंगे और नेपाल में ट्राई नेशन सीरीज भी खेलना है नेपाली क्रिकेट टीम को और उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो मेन्स सीनियर क्रिकेट टीम का व्यू है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए, तो मिशन वर्ल्ड कप। वही बता देता हूँ अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जा चुके हैं तो मिशन एशिया कप रख के रवाना हो गए। तो वही बताए तो दोनों क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। साथ में बता दे तो दीपेंद्र सिंह एरी 50 गेंदों में अच्छा बनाकर बहुत ही सुर्खियों बटोर रहे। वही बताया तो काफी ज्यादा वायरल हो रहे सोशल नेटवर्क में। और बता जाए तो दीपेंद्र सिंह एरी का स्केच पेंसिल से बनाया है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा स्केच बनाया है। तो बहुत सारा वर्ल्ड में अब नेपाल क्रिकेट टीम छाए, हम लोगों को यही दुआ है। और आप लोग क्या चाहते हो, नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम एससीसी प्रीमियर कप में अपना छाप छोड़ के एशिया कप में जाएंगे और नेपाल क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मिशन में कामयाब होंगे? तो आप लोग बस इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, आप सबके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, जिस तरह से वीडियो पे सपोर्ट करते हैं उसी तरह से करते रहिएगा। जय नेपाल, जय नेपाल क्रिकेट टीम, लव यू ऑल।